पोरवाल कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि प्रॉफिट हमें कैसे होता है और लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होता है। प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए इस पूरे चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस। सीपी इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट होता है लाभ। अब लाभ कैसे निकलता है और लॉस होता है हानि। लाभ कैसे निकलता है दोस्तों, लाभ कोई भी एक आर्टिकल, सपोज ये एक आर्टिकल है जिसकी कीमत 100 रुपीज है, अगर 100 रुपीज यानी कीमत है, इट मीन्स इसकी कॉस्ट प्राइस है यानी कि ये बाइंग प्राइस है। आपने 100 रुपए में कोई भी आर्टिकल परचेज किया, उसको आपने 120 रुपीज में सेल किया, कितने में सेल किया 120 रुपीज में, तो जो इन दोनों गैप आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। बट सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस आपको ये कैसे पता चलेगा, जब भी आप सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका आएगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका आएगा लॉस। अब इसमें आप देखिए कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ऑफ कोर्स दिख रहा सामने कि सेलिंग प्राइस हमारा 120 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। जब एसपी माइनस सीपी घटाएंगे यानी 120 माइनस 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा प्रॉफिट। और सेम अगर इसी को मैं रफ कर 80 कर दूं तो कितना आएगा, अब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, जब कोई भी चीज हम ज्यादा में खरीदते हैं और बेचते कम में है तो ऑफकोर्स ये होता है हमें हानि ही होती है, हमें लॉस ही होता है। अगर आप कोई भी एक पेन 5 रुपए खरीदते हैं और 3 रुपए बेचते हैं तो आपको 2 रुपए का लॉस होता है। सेम यहाँ पे आपने एक आर्टिकल 100 रुपीज का परचेस किया और उसको 80 में सेल किया, अब आपको यहाँ पे लॉस हुआ, तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। सीपी की वैल्यू है 100, एसपी है 80, लॉस कितने का हुआ 20 रुपीज का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 20 रुपीज का लॉस हुआ। अब हम आगे देखेंगे अब ये प्रॉफिट आपका 20 आया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, हाउ मेनी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आया अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट आपका कितना आया था 20, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी थी 100, 100 से 100 कट गया, आपका प्रॉफिट कितना आया 20%, आपका प्रॉफिट कितना आया 20%। सेम इसी तरीके से लॉस निकालेंगे, लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं, लॉस जो भी आपका लॉस आया वो अपॉन में क्या कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ये जो आपकी निकलती है प्रॉफिट और लॉस जो भी परसेंटेज आपकी निकलती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकलती है, मल्टीप्लाई 100। लॉस आपका कितना हुआ, यहां पर लॉस था 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, 20 आपका लॉस, कितना लॉस है 20, कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 100। मैंने आपको बताया था कि लॉस कैसे निकालेंगे, 20 लॉस आपका, सीपी 100 100, अब यहां लॉस आपका कितना हुआ है 20% का लॉस हुआ है, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आया होगा,
अब सबसे पहले आपके लिए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसे आपको जनरली बुक्स में मिल जाते हैं, बट मेरा भी काम है आपको बताना। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस अगर आपका ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो आपको लॉस होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है आपका कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये दो चीज़ हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप सबसे पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा तभी सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको एक कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है और प्रॉफिट अगर 20, तो 100 प्लस 20 सेलिंग प्राइस होगा 120, तभी तो हुआ था। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक और, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस से अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, बट इसकी कंडीशन क्या होगी? जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। सेम ऐसे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेम इसी से मैंने किया, आपका कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ आया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट किया, तो आपका कॉस्ट प्राइस में से निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दिया। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं देखूं, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दूंगा तो आपका क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा। और सेलिंग प्राइस, इसकी कंडीशन क्या होगी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा आपका कॉस्ट प्राइस है। ये कंडीशन क्या होगी? सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट आया वो ये जो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेम ऐसा लॉस परसेंटेज, जो भी आपका लॉस आया वो ये जो कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसके बाद एक सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका, अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया हो या निकालना हो इसमें से कुछ कॉस्ट प्राइस दिया होगा या आपको प्रॉफिट दिया होगा और आपको बाकी चीज निकालना होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट दिया है तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये कंडीशन है प्रॉफिट की। अब आई कंडीशन लॉस की, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ये कंडीशन सेलिंग प्राइस की आपके प्रॉफिट वाली कंडीशन है, ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए लॉस वाली कंडीशन है। सेम ऐसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस एसपी, अब सीधा प्रॉफिट वाले तरीके से निकालूंगा तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और अगर लॉस के तरीके से निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। मैंने आपको आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होगा। इट मींस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोबारा से कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना आराम से, या स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं
तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप लोगों को ये आपको बुक से भी मिलेंगे, ठीक है। बट आपको इनपुट कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अभी मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया था और लॉस निकालना सिखाया था, ठीक है। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो ये पूरा चैप्टर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, प्रॉफिट और लॉस ये दो चीजों पे ही डिपेंड करेगा। प्रॉफिट आपका किसी भी, कोई भी प्रॉफिट आपका कैसे आएगा और कोई भी लॉस आपका कैसे आएगा, ये सिर्फ दो चीजों में मैटर करता है। सबसे पहले आपको अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा कि आपने इतने रुपए का खरीदा और इतने रुपए का बेचा। सेकंड, आपको कोई भी आर्टिकल या गुड्स बोल लो, कुछ भी एक ऐसी चीज जो पैसे से रिलेटेड नहीं होगी, जो आपका आर्टिकल में होगा गुड्स में होगा, आपको बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम जैसे आप जानते हो, तो आपने इतने सेब के बदले इतने सेब लिए, या इतने के बदले इतने लिए, या इतने रुपए इतने सेब लिए और इतने सेब में इतने रुपए लिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको आर्टिकल और गुड्स के हिसाब से आएगा और सेम यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से आएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक बार फिर से करा देता हूँ कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, आपको लॉस कैसे निकालना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी भी आर्टिकल, किसी भी गुड्स या किसी भी एक चीज, मान लीजिए अगेन एक बॉक्स ले लिया मैंने, इसका कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है, आपने निकाल लिया 100 और इस बार मैं प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा हूं, और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है कि आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। सपोज 20% प्रॉफिट है, कितनी है 20% प्रॉफिट है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है आपको? सेलिंग प्राइस निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था स्टार्टिंग में, तो आपको मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो अपॉन सीपी इंटू 100, ये मैंने आपको बताया था। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको पता है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है 20%, यानी कि आपको ये दिया हुआ है, और आपको प्रॉफिट भी नहीं पता, और कॉस्ट प्राइस आपको 100 है। कॉस्ट प्राइस आपको कितना है? 100 है, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 काटा, प्रॉफिट आपका कितना हुआ? प्रॉफिट आपका 20 हुआ। अब मैंने आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था। सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना था। सेलिंग प्राइस निकालने कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। प्रॉफिट कितना आपका? 20। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 120। पिछले बार मैंने प्रॉफिट निकाला था और इस बार मैंने सेलिंग प्राइस निकाला है। सेम इसी प्रकार आपका लॉस से होगा, जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाया था।